पहले का जो 275 DATU था वो पूरा पूरा 39 HP था। अच्छा, ये जो मॉडल आया हुआ है तो ये 275 DATU XP प्लस है, हाँ, यानी 39 प्लस 41 की रेंज में। ये ट्रैक्टर अपना इस हिसाब से है, जैसे अपन को थ्रेसिंग करना है, हाँ, अपन को जुताई करना है, हाँ, अपन को प्लाउ चलाना है, हाँ, उसके लिए पर्याप्त है ट्रैक्टर। इसमें डीजल की खपत सबसे कम रहती है, जैसे आप जुताई उताई में भी चलाते हैं तो हाँ, लगभग 3.5 से 4 लीटर के बीच में फुल रहता दबाव है। से काम कर सकते हैं आप। अच्छा, पूरी पावर जी 47 HP जी इसमें बिल्कुल मक्खन के लक्ष्य महिंद्रा का। आप घंटों ट्रैक्टर चला लें, चाहिए। आपको कभी थकान महसूस नहीं होगी। अच्छा सबसे जी। बड़ी विशेषता बिल्कुल मक्खन के लच्छे इसका। तो नमस्कार भैया। नमस्कार किसान भाइयों। हाँ नमस्कार जी। मेरा नाम गोविंद सिंह बघेल, अग्रवाला टूवर्स छतरपुर से। हाँ जी, आज आज हम आप कौन सा ट्रैक्टर लेके आए हो? आज हम सर आपको बताएंगे, ये अपना महिंद्रा का जो पुराना मॉडल था 275 TU, हाँ उसी जी, का ये नया मॉडल आया है अपना। अच्छा काफ़ी दिन जी। से 2 से 3 साल हो गए हैं इसको लॉन्च हुए, तो ये इसका 275 DATU XP प्लस का मॉडल है। अच्छा तो जी, इसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे वीडियो के द्वारा। हाँ जी। तो जो अपना 275 आता था वो कितनी HP में आता था जो अपना ट्रैक्टर? पहले का जो 275 DATU था वो पूरा पूरा 39 HP था। अच्छा ये जो जी, मॉडल आया हुआ है तो ये 275 DATU XP प्लस है, हाँ यानी जी, 39 प्लस 41 की रेंज में। इसका जो HP आएगा आपका RC पर वो हाँ, आपका 39 HP आएगा, अच्छा जी, लेकिन आपको पावर 41 HP की मिलेगी। इसमें अच्छा किसान जी। भाइयों का फायदा है कि आपको जो रेट है वो आपको 39 HP का लग रहा है, आपको पावर 41 HP की मिल HP की रही मिल है। जाएगी, 3 सिलेंडर में ही ट्रैक्टर जी सर, मिलने वाला है। जी 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 अच्छा जी, अब इनके जो टायर दिए गए हैं थोड़ा इनका साइज बताइए आप कि ये कितनी साइज के टायर मिलने इसमें वाले भैया हैं? आपको बताया, हम जो पीछे के टायर इसमें दिए गए हैं, इसमें 13-6-28 के टायर दिए गए हैं। अच्छा जी, हाँ जी। ऑप्शनल भी हैं क्या इनमें नहीं, टायर? इसमें इसमें 12-4-28 के थे पहले, लेकिन अपन ने अब इसमें जो कंपनी ने वो किया है ना, तो कि इसका पावर बढ़ाया है, तो इसलिए इसमें 13-6-28 के टायर डाल दिए हैं अब, अच्छा जी, ताकि ट्रैक्टर जो जुताई करता है तो उसमें राउंड लेने की समस्या बिल्कुल नहीं रहती है। अच्छा और जी। इसके बावजूद आप आगे के देखेंगे तो जो आगे के 6-50-16 के हैं वही टायर दिए गए हैं इसमें। अच्छा जी, और इस इसमें जो पावर स्टेयरिंग वो सादा स्टेयरिंग दोनों स्टेयरिंग आती हैं? हाँ, इसमें अपन ने दोनों स्टेयरिंग का ऑप्शन रखा है कंपनी ने। अच्छा आप जी। सादा स्टेयरिंग यानी मैनुअल भी ले सकते हैं और पावर स्टेयरिंग भी ले सकते हैं वो अपने किसान के ऊपर भाई। पसंद है कि? अब जैसे अपन रीपर बाइंडर वगैरह चलाते हैं तो उसमें ट्रैक्टर को बारीक से बारीक जगह में काटना पड़ता है, क्योंकि फसल के जो बंडल बनते हैं हाँ। वो उसमें ट्रैक्टर को ज़्यादा घुमाना पड़ता है, इसलिए पावर स्टेयरिंग भी दिया हुआ है। अपन अच्छा अगर प्लाउ विलाऊ चला रहे हैं तो वहाँ भी बारीक जगह में काटना पड़ता है, इसलिए पावर स्टेयरिंग दिया गया है। पावर स्टेयरिंग और सादा स्टेयरिंग दोनों को ऑप्शन है इसमें। अच्छा जी, जो किसान को पसंद आता है हाँ जिस बिल्कुल, प्रकार से जरूरत जरूरत है। के हिसाब से है। जैसे अपन को पावर स्टेयरिंग की जरूरत है तो पावर स्टेयरिंग का भी ऑप्शन अपने पास है और अच्छा सादा जी, स्टेयरिंग का भी है। आप देख रहे हैं महिंद्रा में सारा कुछ बदलाव कर दिया गया है। आप हाँ, देख रहे हैं निरंतर महिंद्रा हमेशा से कुछ ना कुछ अपना चेंजेस इंडस्ट्री करती में आ रही है। बदलाव करती रही है। हाँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मोनो सबसे पहले, अब जो ट्रैक्टर को बहुत अच्छा डिजाइनिंग करती है आगे से, देख रहे हैं ये नया मॉडल दिया गया है। ये आप 4-व्हीलर में जो मोनो देखते हैं ना, जैसे स्कॉर्पियो वगैरह में भी जो आया है हाँ हाँ वही मोनो इसमें दिया गया है। हाँ इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं आगे का जो लुक है पूरा चेंज कर दिया है। इसमें हैवी वाली जाली दी है ब्लैक कलर की, इसमें आपका कूड़ा कूड़ा भी नहीं अंदर जाता है और आपकी डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी, देख रहे हैं आप कितना अच्छा लग रहा है आगे से अच्छा ट्रैक्टर। जी, और जो इसमें बेट पट्टी दी गई है वो नीचे साइड दी गई है? हाँ, इसमें जो बेड पट्टी दी गई है ना, इसमें अभी जैसे अपना ये ट्रैक्टर जब तैयार होगा शोरूम पर तो हाँ, इस बेड पट्टी को यहाँ से खोल के और बम्पर के नीचे पट्टी लगाई जाएगी। अच्छा जी, हाँ, वहाँ से हट जाएगी? ये वहाँ से हटा दी जाएगी। ये इसमें डबल वाली पट्टी दी गई है, हैवी वाली। लगभग कितना वजन होगा इसका? इसका लगभग 80 से 85 किलो के एवरेज का वजन है इसमें। अच्छा जी। हाँ, 80 से 85 किलो वजन है इसमें। और थोड़ी आप इंजन के बारे में बताइए कि आपको ये इंजन कितने सीसी का मिलने वाला है मेरे किसान भाइयों को? जी 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 आपके लिए हम बात करें भैया, तो इसमें अपना इंजन 2300 CC के आसपास का इंजन है इसमें। अच्छा जी। हाँ, इसमें 3 सिलेंडर 39 प्लस 41 HP रेंज का इंजन है इसमें, 2300 CC का इंजन है इसमें। और अच्छा, आपको एक और बताएं हम, अपन ने इसमें हैवी पंप लगाया हुआ है। ये पावर स्टीयरिंग आप देख रहे हैं तो इसमें हैवी पंप लगाया हुआ है, अच्छा जी, ताकि आप जैसे पावर स्टीयरिंग वगैरह यूज कर रहे हैं तो इसमें दोनों साइड का सिलेंडर सिस्टम है, ताकि ट्रैक्टर के इंजन पे ज़्यादा लोड ना पड़े, इसलिए इसमें बड़ा पंप दिया गया है।
साइड में बैटरी दी गई है। हाँ ये बैटरी दी गई है इसमें। अच्छा, आपको बताएं इसमें अपनी 90 एम्पियर की बैटरी दी गई है। हाँ तो जैसे एक बात बताइए आप, इस ट्रैक्टर में क्या होता है कि जैसे मेरे किसान भाई कमर्शियल व्हीकल में यूज करते हैं जी, तो पीछे वो खम्भे गाड़ने की मशीन वगैरह लगाते हैं और एक मिनी जेसीबी के काम भी करते हैं, जैसे आगे लोडर लगवा लेते हैं पीछे बिकेट लगवा लेते हैं, तो ऐसे एम्प्लीमेंट इस ट्रैक्टर में लग जाएंगे या नहीं लगेंगे? इसमें आपसे बताएं भैया, जैसे अपना जो इसकी लिफ्टिंग क्षमता है इसकी अपनी 1500 kg प्लस की, यानी कि 1700 kg की लिफ्टिंग क्षमता है। अच्छा, तो उसके हिसाब से आप इसमें लोडर लगा सकते हैं आगे। हाँ। जैसे अपन को कमर्शियल काम करना है, बालू भरना है या गिट्टी भरना है। हाँ। या कोई भी खाद आद जो अपना देसी खाद आद होता है वो भरना। हाँ। है। हाँ। तो उसके लिए इसमें आगे लोडर लग जाएगा और जो पोल होल्डर है वो भी आप पीछे लगा सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें डोजर जो रहता है जेसीबी का खोदने वाला होता है ना, वो इसमें लग तो जाता है लेकिन छोटा वाला लग पाता है, इसमें बड़ा वाला नहीं लग पाता। जैसे जो अपना बड़ा वाला ट्रैक्टर है अपना अर्जुन वगैरह है जो, अच्छा, उनमें जो लगता है वो इसमें नहीं लग पाता। ये उतनी एचपी वाला ट्रैक्टर मतलब नहीं है, 40-41 एचपी के हिसाब से वो छोटा वाला लग विकेट जाएगा लग जाएगा। जी जी जी। अच्छा जी, बाकी इसमें रीपर वगैरह आगे गेहूं काटने की मशीन वगैरह ये अपन लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उसमें तो बिल्कुल आप 265 में भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, तो इसमें तो और अच्छी तरीके से काम करेगा वो। और भूसा मशीन का क्या रहता है, भूसा मशीन में आप क्या कहें? भूसा मशीन के लिए अपन बात करेंगे, अभी दूसरा मॉडल भी अपने पास रखा हुआ है, 585 है। अच्छा, मतलब ये नहीं खींच इसमें भूसा मशीन नहीं चलती है। भूसा मशीन का एक एवरेज जो होता है उसके लिए अपन को कम से कम 50 HP प्लस का ट्रैक्टर चाहिए पड़ता है। अच्छा जी, क्या होता है कि बहुत से किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं, उनके पास छोटे ट्रैक्टर रहते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि हमारे ट्रैक्टर में भूसा मशीन चल जाएगी। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास छोटे HP से ट्रैक्टर हैं तो उनमें बिल्कुल नहीं भूसा मशीन चलेगी, जो ट्रैक्टर 50 HP के होंगे उनमें ही भूसा मशीन चलेगी। जी जी भैया, इसमें क्या है आपसे बता, ये ट्रैक्टर अपना इस हिसाब से है, जैसे अपन को थ्रेसिंग करना है, अपन को जुताई करना है, अपन को प्लाऊ चलाना है, उसके लिए पर्याप्त है ट्रैक्टर। आप भारी से भारी चला सकते हैं इसमें, अपना 35-40 HP तक का थ्रेसर आप इसमें आराम से चला सकते हैं। चला सकते हैं जी हाँ। बाकी आप इसमें पल्टी प्लाउ वगैरह भी चला सकते हैं? हाँ, पल्टी प्लाउ भी चला सकते हैं, जो 2 ME प्लाउ होता है ना, जो वो अपन इसमें आराम से चला सकते हैं। अच्छा जी, तो आप थोड़ी इसकी PTU HP और बता दीजिए मेरे किसान भाइयों को, इस ट्रैक्टर में कितनी PTU HP मिलने वाली है? देखिए सर, आपको बताया जो अपने महिंद्रा के और बाकी कंपनियों के भी जो भी ट्रैक्टर हैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री में, आपसे बताया 39-41 HP की रेंज में ये सबसे ज्यादा पावरफुल PTU HP निकालने वाला ट्रैक्टर है, जिसकी 34.49 PTU है, यानी कि आप इसमें 35 HP की थ्रेसर तक आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इतना कोई भी जो अपना और भी इंडस्ट्री में ट्रैक्टर है, हाँ जी, या हमारे महिंद्रा के भी जो और मॉडल हैं, आप 39-41 HP रेंज में ये सबसे पावरफुल HP निकालने वाला ट्रैक्टर है। RPM अच्छा इसके 540 रहेंगे और इसका PTU हॉर्स पावर रहेगा 34.49। देखिए भैया, ये बोनट ओपन करने के बिल्कुल सरल तरीका है। हाँ जी, जैसे कि अपन ट्रैक्टर चलाते हैं सुबह अपनी बढ़िया, जब शुरुआत दिन की शुरुआत होती है तो इसकी सफाई के लिए अपन को सबसे पहले अपन को एयर क्लीनर निकालना है। अच्छा जी, एयर क्लीनर निकालना है और अपना ये साइलेंसर निकालना है। जब ट्रैक्टर चला के आए थे तत्काल नहीं करना, क्योंकि ये गर्म रहता है। हाँ हाँ। ये अपना सुबह से जब अपन दिनचर्या अपनी चालू होती है तो भैया इसको निकालो, इसको अपने बढ़िया खोल के साफ करो, हम आपको खोल के भी दिखाएंगे आगे। जैसे अपना आसानी से खुल जाता है एयर क्लीनर और साइलेंसर भी साथ में खुलना पड़ेगा, बिल्कुल, तब जाके आप इनको आसानी से आपने इसे खोला होता है और अपना ये इसमें लॉक दिया गया है। अच्छा, इसको ऊपर की तरफ कर देंगे, यहाँ पर लॉक दिया गया है, ये आप देख रहे हैं ये लॉक दिया गया है, ये ऐसा लॉक फंसा है ना इसमें, तो इसको आसानी से ऊपर की तरफ करके छोड़ देना है और एक लॉक दूसरी साइड है अपना। अच्छा, दोनों साइड दिए, दोनों साइड दिए गए हैं ताकि बोनट को दोनों साइड से पकड़ मिले। अच्छा जी, हाँ, और इसको इसको भी उसी तरीके से खोलना है और इसको अपन को आगे की तरफ कर देना है। अच्छा जी, ऐसे ही आगे चला जाएगा और ये आगे जाके अपना लॉक के द्वारा टिक जाता है। अच्छा, आप देख रहे हैं इसमें अपन जैसे थ्रेसिंग रेसिंग करते हैं, अपन जुताई में भी ट्रैक्टर चलाते हैं, तो अपना इसके अंदर जो खसखस या धूल उल जाती है उसको बड़ी अपन कपड़े से इसको साफ आफ कर सकते हैं। हाँ जी, है ना। और जो रेगुलेटर वगैरह दिया गया है, जी जी, जैसे
क्या होता है कि बहुत से किसान भाई इनमें साफ़ सफाई नहीं करवाते हैं, कूलेंट वगैरह नहीं बदलवाते हैं, तो इसकी क्या प्रोसेस रहती है, कितनी सर्विस पे इसका कूलेंट वगैरह बदलता है? देखिए इसमें ऐसा है भैया, ट्रैक्टर चलाने के हिसाब से जैसे इसकी सर्विसिंग होती है 250 घंटे पे, हाँ। पहली सर्विसिंग 250 पे होती है, दूसरी सर्विसिंग फिर उसके 250 के हिसाब से ही होती है, इसी क्रम से अपने अगले 250-250 के हिसाब से चलती चली जाती है। तो ये अपना को वाटर कूलेंट, ये अपना कूलेंट टैंक इसमें बना हुआ है, इसका वाटर लेवल का ये पॉइंट भी दिया गया है यहाँ पे, आप देख रहे हैं मैक्सिमम लिखा हुआ है, हाँ। ये मिनिमम, हाँ। ये मैक्सिमम, इन दोनों के बीच में हमेशा कूलेंट रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे आपने एक बोतल ली उसमें आप और डाल दो इसमें पानी, तो इससे क्या होता है इसमें बीच में लेवल रहता है तो ट्रैक्टर हीट नहीं होता है। और इसके लिए एक और है, आप ये आगे रेगुलेटर दिया गया है, आप महिंद्रा आप देख रहे हैं, आपने आगे पथरी वाली जाली लगाई है ताकि इसमें धूल उल मिट्टी टी या जैसे अपन थ्रेसिंग कहते हैं भूसा वूसा कुछ नहीं जाता है। अच्छा जी। अब अगर इसमें अपन कपड़ा से साफ करते हैं तो और अच्छा रहता है। अच्छा, और इसकी सर्विस वगैरह की क्या प्रोसेस रहती है, जैसे पहली जो सर्विस है कितने घंटे में मेरे किसान भाई कराएं, और जो इसके बाद सर्विस होती है वो कितने घंटे में कराएं? इसकी देर से भैया आपसे बता, जैसे आपने किसान बंधु ट्रैक्टर खरीदते हैं तो ये कोई ये सबसे पहली विशेषता महिंद्रा कंपनी ही दे रही है 250 घंटे का सर्विस अंतराल। अच्छा, यानी आप ट्रैक्टर लेगा सीधा जाके आप जुताई में उपयोग कीजिए, जो भी आपका काम है जुताई में ढुलाई में या थ्रेसिंग में। अच्छा, आप सीधा ले जाए शोरूम से वो खेत पे जाके अपना ट्रैक्टर जुताई में या अपने काम में लगा दें। अन्य कंपनी का ऐसा है कि पहले 50 घंटे तक ट्रैक्टर को रमा करना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद आप भारी काम में उपयोग कर पाएंगे, तो उसमें किसान को नुकसान तो होता ही होता है समय का, कि उसका डीजल भी 50 घंटे तक का चला जाता है, हाँ। बिना मतलब का, और उसका खर्चा भी बढ़ जाता है एक सर्विसिंग का। महिंद्रा का ऐसा है कि पहली सर्विसिंग 250 घंटे पे होना है, उसके लिए भी एक अपना जो अपना कनेक्टिविटी है, जैसे कि अपना मान लीजिए ट्रैक्टर 50 किलोमीटर पे या और ज्यादा दूरी पे चल रहा है, आपके पास समय नहीं है यहाँ पे आने का, तो हमारी जो सर्विस टीम है वो हमारा एक ऑपरेटर आपके यहाँ पे जाएगा, सर्विस की किट लेकर जाएगा, आपको फोन लगाना है कि भाई साहब हमारा ट्रैक्टर 250 घंटे चल गया है। अच्छा, हमारे पास काम ज्यादा है, थोड़ा सा हम व्यस्त हैं, हम नहीं आ पा रहे हैं, तो हमारा ऑपरेटर जाएगा किसान के खेत पे जहाँ पे ट्रैक्टर है वहाँ ट्रैक्टर के पास पहुंचेगा, आयल लेकर जाएगा, सर्विस का पूरा सामान लेकर जाएगा, वहीं पे आपको सर्विस उपलब्ध कराएगा। अच्छा जी, लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा एक बार सर्विस कराने? इसका लगभग अपना 2800 से 3000 के बीच में आ जाता है खर्चा। अच्छा, जी हाँ। और थोड़ा आप इसके माइलेज के बारे में और बताइए मेरे किसान। देखिए भैया आपको बताएं, आप देख रहे हैं ये 3 सिलेंडर का आपको दिख रहा है यहाँ पे, 3 सिलेंडर का ये सबसे बड़ा पावरफुल इंजन है, 41 HP का श्रेणी का, 39+41 श्रेणी का 3 सिलेंडर का ये सबसे पावरफुल इंजन है। इसमें डीजल की खपत सबसे कम रहती है, जैसे आप जुताई उताई में भी चलाते हैं तो लगभग 3.5 से 4 लीटर के बीच में फुल दबाव से काम कर सकते हैं आप। अच्छा, पूरी पावर जी 40 HP जी 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 काम कर सकते हैं मेरे किसान। बिल्कुल भाई। तो आप थोड़ी इसकी वारंटी के बारे में और बताइए भैया कि इस ट्रैक्टर में मेरे किसान भाइयों को कितने साल की वारंटी मिलने वाली है? भैया आपसे बताएं, एक महिंद्रा कंपनी ही ऐसी कंपनी है जिसने अभी तक के रिकॉर्ड में ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आपसे बताएं 6 साल की वारंटी लागू की है, और उसके लिए भी अपन को कुछ अलग से नहीं देना है, ट्रैक्टर के ऊपर लिखित प्रमाण है। अच्छा, आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम इन इंडस्ट्री, आप इसमें पास में करके देखिए मोबाइल में, फर्स्ट टाइम इन इंडस्ट्री 6 ईयर वारंटी, पहली बार महिंद्रा ने 6 साल की वारंटी दी है। 6 साल की वारंटी का नियम ऐसा है, जैसे अपना ट्रैक्टर ने भी बताया था कि अगर सर्विस पे होता है तो हमारा ऑपरेटर घर पे जाके सर्विस करेगा, उसका आपको अदर कोई भी शुल्क नहीं लगता, जो भी अपना जैसे पेट्रोल वेट्रोल का जो आता है चाहे आप ऑपरेटर को वो बस ओनली देना है अपन को। और अगर जैसे कोई किसान अपना चलाता है लापरवाही करता है, बाहर सर्विसिंग करवाते हैं, लोकल में मिस्त्री के पास दिखवाते हैं, हाँ। तो ऐसे में महिंद्रा कंपनी की कोई जवाबदारी नहीं रहती है। अच्छा जी। उसका सीधा सीधा ये है कि आपका 250 घंटे का जो सर्विसिंग अंतराल हो गया है तो आप ट्रैक्टर को शोरूम पर लाइए सर्विस करवाइए, और नहीं आ पा रहे तो हमारा ऑपरेटर आपके घर पे जाएगा। अच्छा जी। अब जैसे कोई तकनीकी खराबी इंजन में आ गई, गैरबक्से में आ गई, या पीछे के हिस्से में हाइड्रोलिक में आ गई, हाँ। तो इसकी 6 साल तक कंपनी की जिम्मेदारी रहेगी। अच्छा, लेकिन पूर्ण देखरेख कंपनी की नजर में रहेगी, ऐसा नहीं कि कस्टमर बाहर कराए और अपन से सर्विस की फिर मांग करे, तो ऐसा नहीं है, आपको जो भी सर्विसिंग करवाना है वो शोरूम पे करवानी है। अच्छा जी, जी। और जो इसके प्राइस होने वाले हैं वो कितने प्राइस हैं? देखिए आपसे बताएं, महिंद्रा का जब अपन बात करते हैं तो मुनाफा हर प्रकार से होता है किसान को, रेट पे भी मुनाफा होता है, आपको बचत में भी होता है, और आप जैसे कोई भी
पार्ट्स वगैरह लेते हैं तो उस पर भी बचत होती है। तो लगभग अपना जैसे जो अपना 40 से 41 HP वाला ये ट्रैक्टर है जो अपना, हाँ जी, इसके हिसाब से मार्केट में जो बाकी ट्रैक्टर लगभग 30 से 35 हज़ार सस्ता है अपना ये। अच्छा जी। ये अपन ऑन रोड अपना 6,50,000 तक का अपन देते हैं ये। अच्छा। और आप इसमें आपसे बताएं भैया सारी विशेषता और अपना मोबाइल वोबाइल चार्जिंग का भी पॉइंट इसमें दिया गया है। अच्छा। आप जैसे देख रहे हैं महिंद्रा का पैदल वैदल सिस्टम बेहतरीन दिया जाता है, पूरा चढ़ने उतारने में बहुत आसानी रहती है, सीट को आगे पीछे करने का भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप ये बगल में अपना लीवर दिया गया है, हाँ। तो सीट आगे पीछे भी कर सकते हैं एडजस्टेबल, जैसे कि किसी की साइज छोटी है, हाँ। छोटी साइज का व्यक्ति है तो वो आगे कर सकता है, लंबी साइज का व्यक्ति है तो अपने पीछे जिस जरूरत के हिसाब से। अच्छा। इसमें बिल्कुल मक्खन क्लच है महिंद्रा का, आप घंटों ट्रैक्टर चला लें आपको कभी थकान महसूस नहीं होगी। अच्छा। सबसे बड़ी विशेषता बिल्कुल मक्खन क्लच है इसका, बिल्कुल आसानी से आप दबाएंगे। और जो इसके ब्रेक दिए गए हैं वो कैसे हैं? इसमें भैया सबसे बड़ी विशेषता है कि महिंद्रा अपनी 2012 से ऑयल इमर्शन ब्रेक दे रही है। अच्छा जी। आप और कंपनी में जाते हैं तो उसमें लेदर ब्रेक मिलते हैं, जो लेदर के रहते हैं वो बार बार उसमें जब अपन ब्रेक दबाते हैं तो घिसावट हो जाती है, तो ट्रैक्टर सही तरीके से ब्रेक नहीं लगाता है। फिर अपनी महिंद्रा 2012 से ऑयल इमर्शन ब्रेक दे रही है। अच्छा। जो कि प्रेशर ऑयल द्वारा लगते हैं। अच्छा जी। तो जहाँ पर आप पैदल दबाएंगे ट्रैक्टर वहीं पे तत्काल खड़ा हो जाएगा। इनकी कंट्रोलिंग बहुत अच्छी, बहुत अच्छी कंट्रोलिंग है, एक लंबे समय तक कार करती है। हाँ, बिल्कुल। उसमें काम भी नहीं आता है, ब्रेक आयल में डूबे हुए रहते हैं तो उसमें कोई घिसावट का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। अच्छा। उसमें प्लेटें रहती हैं अंदर, वो आयल के द्वारा काम करती हैं। अच्छा जी। और डाउन पेमेंट लगभग कितना करना पड़ेगा इसके लिए? भैया ऐसा है कि लगभग आप मात्र 1,00,000 रुपए जमा करके ट्रैक्टर को घर आसानी से ले जा सकते हैं। अच्छा जी। आप थोड़ा पता वगैरह बताइए, आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। तो भैया हम ट्रैक्टर से नीचे आके आपको हम सारी जानकारी देते हैं, अपनी डीलरशिप का पता बताते हैं और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी बताते हैं। जैसे भैया आपको पता है अपनी महिंद्रा एजेंसी अपनी छतरपुर की जो है अग्रवाल ऑटोमोबाइल्स लगभग 30 साल से निरंतर किसान भाइयों की सेवा में कार्यरत है और हर प्रकार से सर्विस सुविधाओं के बारे में भी कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो उसके लिए भी जानी हुई अपनी कंपनी है। अच्छा जी। किसानों के लिए हमेशा साथ में खड़ी हुई है। मोबाइल नंबर बता दीजिए अपना, अपना पता वही पता है अपना, बिजावरना का सागर रोड छतरपुर जी। है ना। हाँ। मोबाइल नंबर है 70 24 39 35 39। अच्छा जी। आपका मोबाइल नंबर है जी? हाँ। जैसे क्या होता है कि बहुत से किसान भाइयों को और भी जानकारियां चाहिए होती हैं, तो इस नंबर पर कॉल करके जानकारियां वगैरह ले सकते हैं भैया के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा जी। तो सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जी सर।